इसमें कुछ डाउट है? फर्स्ट सेकंड थर्ड हुआ। हाँ सर, सर ओके अब फोर्थ वन, जस्ट द डिफरेंसिबिलिटी। व्हेन एक्स लेस देन वन, आप कहाँ कहाँ पे टेस्ट करोगे? एक टेस्ट करोगे एक्स इक्वल टू वन पर और एक टेस्ट करोगे टू पर, ठीक है? एट एक्स इक्वल टू वन, व्हाट इज योर एफ डैश एक्स, कितना होगा? लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच अपॉन सॉरी एफ ऑफ वन अपॉन एच, ये आपका डेरिवेटिव। इसमें एल एच एल एंड आर एच एल रहेगा, एल एच डी एंड आर एच डी। व्हाट इज द एल एच डी? एल एच डी क्या होगा? लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच अपॉन एफ ऑफ वन अपॉन माइनस एच, है ना? वन माइनस एच के लिए फंक्शन क्या है? When x less than one, one से कम हुआ तो एफ ऑफ एक्स इज द एक्स, तो एफ ऑफ वन माइनस एक्स क्या होगा? वन माइनस एच क्या होगा? वन माइनस एच होगा, वन माइनस एच होगा माइनस एफ ऑफ वन कितना है? When x इक्वल टू वन, एफ ऑफ वन कितना? वन वन अपॉन माइनस एच, तो यू गेट वन प्लस वन माइनस वन कैंसल्ड, माइनस एच अपॉन माइनस एच वन। दिस इज द एल एच डी। व्हाट इज द आर एच डी? लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच। वन प्लस मोर देन वन के लिए फंक्शन क्या है? टू माइनस एक्स। एफ ऑफ वन प्लस एच कितना होगा? यार एफ ऑफ एक्स इज द वन माइनस नो टू माइनस एक्स, तो एफ ऑफ वन प्लस एच कितना होगा? टू माइनस ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन इज द वन अपॉन एच, क्या मिल रहा है? माइनस वन प्लस टू माइनस वन कैंसिल्ड, माइनस एच अपन एच माइनस वन, हेंस इट इज नॉट डिफरेंसिबल एट एक्स इक्वल टू वन। एक्स इक्वल टू वन के लिए वो डिफरेंसिबल नहीं होगा। फिर कहां पर टेस्ट करेंगे? एक्स इक्वल टू टू पर टेस्ट करेंगे। व्हाट इज योर एफ ऑफ टू? एफ ऑफ टू कितना आपका? चेक करो जीरो। एफ ऑफ टू मतलब आपको ये फंक्शन लेना पड़ेगा, यू हैव कंसीडर दिस वन, एफ ऑफ टू, टू मतलब टू माइनस टू जीरो। तो लिमिट व्हाट इज योर आर एच डी और एल एच डी? लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ टू माइनस एच माइनस एफ ऑफ टू अपॉन माइनस एच। व्हाट इज योर एफ ऑफ टू माइनस एच? टू से जब कम हुआ फंक्शन क्या है? टू माइनस एक्स। एफ ऑफ टू माइनस एच क्या होगा? टू माइनस एक्स के जगह टू माइनस एच माइनस एफ ऑफ टू
जीरो अपॉन माइनस एच, तो टू टू कैंसिल, प्लस एच अपॉन माइनस एच माइनस वन. व्हाट इज द आरएचडी? लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ टू अपॉन एच. टू प्लस एच के लिए मोर देन टू, मोर देन टू के लिए दिस इज द फंक्शन माइनस टू प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर. तो लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस टू प्लस थ्री एक्स, एक्स की जगह टू प्लस एच माइनस एच स्क्वायर, टू प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस जीरो अपॉन, करेक्ट ना? यस, which is plus 6 minus 2 minus 4 got cancelled, plus 3h here minus 4h minus h minus h square upon h limit h tends to 0. Kitna milega? Minus h upon h minus 1 minus h limit h tends to 0. क्या मिला? माइनस वन. तो हियर एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी. तो योर गिवन फंक्शन डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल, सॉरी डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू टू बट नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू वन. दैट यू हैव राइट. हेंस एफ ऑफ एक्स it's not differentiable at x equal to 1 but differentiable at x equal to 1. samjhaiye. nahi? ha sir samjha. iska main ek shortcut bata deta hu, itna time nahi lagega. दिस इज द फंक्शन, ठीक है ना? डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव. ओके, जस्ट इसका डेरिवेटिव निकालो. बोर्ड में मत करना, बोर्ड में सब्जेक्ट भी ऐसे आएगा तो यू हैव टू डू लाइक दिस. ओके, एंट्रेंस के लिए आप ऐसे कर सकते हो. जस्ट फाइंड आउट एफ डैश एक्स कितना होगा. वन व्हेन एक्स लेस देन वन, माइनस वन व्हेन वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू टू, इसका डेरिवेटिव थ्री माइनस टू व्हेन एक्स मोर देन टू. ठीक है, एलएचडी का मतलब होता है एलएचएल ऑफ एफ डैश एक्स. एलएचडी ऑफ एफ ऑफ एक्स सेम आज एलएचएल ऑफ, ठीक है? तो इसका एलएचएल क्या है? एट एक्स इक्वल टू वन, व्हाट इज योर एलएचएल? एफ डैश एक्स का. और यू कैन राइट एलएचडी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा? वन वन एलएचडी ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज LHL of f dash x, which is 1. What is the RHD? Minus 1. Minus 1. So not differentiable. क्योंकि LHD is not equal to RHD. आप चेक करो, वही आंसर आया था. LHD क्या मिला था? 1. RHD क्या मिला था? Minus 1. समझा? Now point. At x equal to 2, at x equal to 2, what is your LHD? Less than 2 के लिए minus 1,
व्हाट इज योर आरएसडी? एक्स के जगह टू डालो तो थ्री माइनस फोर माइनस वन, तो चेक करो वही माइनस वन दोनों आया होगा। समझाइए? हाँ ठीक है, बोर्ड में आएगा तो यू हैव टू डू लाइक दिस, क्योंकि वो डिफरेंस मतलब डेरिवेटिव ऐसा नहीं मानते, बाकी के लिए आप शॉर्टकट ऐसे कर सकते।
कितन सबको मिला? नहीं, एंड द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट पी क्यू, सो ऑल द इट इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बट नॉट डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू वन, एंड एफ डैश एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू थ्री. ओके, मतलब एफ डैश एक्स कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल थ्री मीन्स एफ ऑफ एक्स डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू थ्री. तो इट इज कंटिन्यूअस. तो हम कहां कहां पर टेस्ट करेंगे? एट एक्स इक्वल टू वन एलएचएल, एलएचएल कितना होगा? जीरो, ये बी होगा. आरएचएल जीरो. तो आज कंटिन्यूअस, दैट मीन्स आपका बी इक्वल टू जीरो, एलएचएल इक्वल टू आरएचएल. At x equal to 3, another breaking point is 3. 3 पर आपका function change हो रहा है. What is your LHL? Use x equal to 3. 3 minus 1, 2. What is the RHL? 9p plus 3q plus 2. That means LHL is equal to RHL. 2 got cancelled. Divide by 3. So 3P plus Q is equal to 0. Now, this derivative lelo, f dash x. AX square ka derivative. 2X minus AX ka derivative. A. When x less than 1. x minus 1 का डेरिवेटिव 1, when 1 less than equal to x less than equal to 3. थर्ड वन का डेरिवेटिव 2px plus q when x more than 3. It is given not differentiable at x equal to 1. That means at x equal to 1, LHD is not equal to RHD. तो LHD क्या मिल रहा है? x equal to 1 डालो, a is not equal to RHD 1. That means a belongs to any real number other than 1. Okay. But 3 for continuous, f dash x continuous at x equal to 3. That means f dash 3 exists. At x equal to 3. What is the LHD? 1. RHD? 6P plus Q. That means 6P plus Q is equal to 1. And you had 3P plus Q equal to 0. Implies 3P equal to 1. P is equal to 1 by 3. तो Q क्या होगा? Minus 1. तो B 0, A belongs to any real number other than 1, P equal to 1 by 3, Q equal to minus 1. Was there? Good. समझा? हाँ सर.
Okay, solve this.
Done.
क्या हुआ आगे नहीं हो रहा है? चौथा लेंदी और टफ हो जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन फंक्शन में हम किए थे? कंपोजिट फंक्शन हुआ था, एक तो मैनुअली बताया था, एक ग्राफिकली भी बताया था। देखते फर्स्ट वन। एफ एक्स गिवन माइनस टू वन माइनस थ्री टू जीरो एक्स माइनस टू वन जीरो टू थ्री एंड जी ऑफ एक्स गिवन एफ ऑफ मॉड एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स मॉड जस्ट द डिफरेंशिएट ऑफ जे ऑफ एक्स। ओके व्हाट इज एफ ऑफ मॉड एक्स? क्या होगा एफ ऑफ एक्स गिवन माइनस थ्री टू जीरो के लिए माइनस टू जीरो टू थ्री के लिए एक्स माइनस टू एफ ऑफ मॉड एक्स क्या होगा? सर एक्स माइनस टू होगा फॉर माइनस थ्री टू थ्री। इसमें डोमेन क्या है? डोमेन था क्या माइनस थ्री टू थ्री के अंदर? हाँ सर। तो मॉड एक्स क्या होगा? जीरो टू थ्री। जीरो टू थ्री। व्हेन मॉड एक्स जीरो टू थ्री मतलब मॉड एक्स को आप टी ले लो, ठीक है ना। अब एफ ऑफ टी, टी लाइज इन बिटवीन जीरो टू थ्री। व्हेन टी लाइज इन बिटवीन जीरो टू थ्री आपका फंक्शन क्या हो रहा है? एक्स माइनस टू। तो एफ ऑफ टी क्या होगा? टी माइनस टू। इसका मतलब एफ ऑफ मॉड एक्स आपको मिला मॉड एक्स माइनस टू। एम आई करेक्ट? हाँ सर। व्हेन एक्स लाइज इन बिटवीन मॉड एक्स लाइज इन बिटवीन जीरो टू थ्री और एक्स लाइज इन बिटवीन माइनस थ्री टू प्लस थ्री, करेक्ट। अच्छा मॉड एक्स को थोड़ा ब्रेक करेंगे, क्या लिखेंगे? माइनस थ्री टू जीरो होगा तो क्या होगा? मॉड एक्स क्या होगा? माइनस थ्री टू जीरो कितना होता है? माइनस एक्स माइनस टू। जीरो टू थ्री के लिए प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस टू। ये हो गया आपका एफ ऑफ मॉड एक्स, करेक्ट। नेक्स्ट फाइंड करेंगे एफ ऑफ एक्स का मॉड। एफ ऑफ एक्स का मॉड मतलब इसका मॉडुलस कहाँ गया? ये सही। हाँ मैं कौन सा बता रहा हूँ, वन। इसका मॉडुलस माइनस टू का मॉड क्या होगा? टू। व्हेन माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो एंड एक्स माइनस टू का मॉड होगा व्हेन जीरो लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री, करेक्ट। एक्स माइनस टू का, एक्स माइनस टू का मॉड उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? टू। तो इसका मतलब जीरो टू थ्री के बीच में हम उसको भी ब्रेक करना पड़ेगा, मॉडुलस हटाना पड़ेगा। दिस बिकेम टू माइनस थ्री टू जीरो। जीरो टू टू के लिए क्या होगा? व्हेन एक्स लाइज इन बिटवीन जीरो टू टू ये नेगेटिव होगा तो यू विल गेट टू माइनस एक्स एंड टू टू थ्री के लिए ये पॉजिटिव होगा तो एक्स माइनस टू। दिस इज एफ ऑफ एक्स का मॉड। अब जी ऑफ एक्स क्या होगा? ये दोनों का सम। तो माइनस थ्री टू जीरो, माइनस थ्री टू जीरो कॉमन डोमेन पर ये माइनस एक्स माइनस टू ये प्लस टू, तो जी ऑफ एक्स क्या होगा?
ऑफ मॉड एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स कितना होगा? माइनस एक्स, ये दोनों का सम कॉमन डोमेन है ये। व्हेन माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, जीरो टू ये जीरो टू थ्री कॉमन डोमेन क्या है? जीरो टू टू के लिए ये दोनों का सम कितना मिला? जीरो। एंड टू टू थ्री के लिए ये दोनों का सम मतलब टू एक्स माइनस फोर, करेक्ट। क्वेश्चन क्या पूछा था? टेस्ट द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ जी ऑफ एक्स इन द इंटरवल माइनस थ्री टू प्लस थ्री, माइनस थ्री टू प्लस थ्री के अंदर उसका डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट करेंगे। तो ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ इज द बेस्ट मेथड टू फाइंड आउट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी एंड ऑल। When it is minus 3 to 0, it is minus x. So y is equal to minus x. You will get straight line like this. है ना? 0 to 2 के लिए, 0 to 2 के लिए f of x मतलब g of x is the 0. 0 मतलब ये line. Y equal to 0. जीरो टू टू के लिए जीरो, देन टू टू थ्री के लिए टू एक्स माइनस फोर। व्हेन एक्स इक्वल टू टू वाई जीरो, व्हेन एक्स इक्वल टू थ्री वाई टू। स्ट्रेट लाइन बनेगा। राइट, तो इज इट कंटिन्यूअस फंक्शन? ये जो ग्राफ मिला, दिस इज द वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, दिस इज वाई इज इक्वल टू जीरो, दिस इज वाई इज इक्वल टू टू एक्स माइनस फोर। इज इट कंटिन्यूअस फंक्शन? ये सर नो, आपका ग्राफ ऐसे मिला ना। इज इट डिफरेंशियबल? डिफरेंशियल के नहीं है, थोड़ा पॉइंटेड पार्ट्स पे नहीं होगा। जहाँ पे पॉइंटेड होगा और नॉट डिफरेंशियल, तो नॉट डिफरेंशियल एट x इक्वल टू जीरो, एट x इक्वल टू टू ओपन दिया था कि क्लोज दिया था? अच्छा क्लोज दिया, तो फिर माइनस थ्री प्लस थ्री भी नहीं होगा। इन जनरल ओपन दिया गया, दिया होता है, बट ये यहाँ पे क्लोज दिया गया, देन इट इज नॉट डिफरेंशियबल कंटिन्यूअस but not differentiable at x equal to minus 3, 0, 2, and 3. आपको लिखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे नॉट डिफरेंशियल, समझा? Yes. नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स गिवन,
साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर पाई अपॉन एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स माइनस 18 व्हेन एक्स लाइज इन बिटवीन 0 टू 1 एंड ए एक्स क्यूब प्लस बी एंड 2 cos pi x plus 10 inverse x when x lies in between 1 to 2. It is differentiable in the interval 0 to 2. Then find the value of a and b. So, x square ka greatest integer kya hoga? X square ka greatest integer kya hoga? एक्स लार्ज इन बिटवीन 0 टू 1 0 हो सकता है 1 भी हो सकता है ठीक है ना तो एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्चुअली एक इंटीजर होता है ना तो एक केस में 0 एंड 1 होगा फॉर दिस केस यू विल गेट 0 एंड 1 जो भी होगा इट इज कमिंग अंडर एन पाई फॉर्मेट साइन इंटीग्रल पाई आ जाता है साइन एन पाई क्या होता है जीरो जीरो मुझे सिर्फ चेक करना है कि डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर जीरो हो गया फिर आपको लिमिट लगाना पड़ेगा तो व्हेन एक्स लाइज इन बिटवीन जीरो टू वन एक्स क्यूब भी जीरो टू वन के अंदर रहेगा माइनस थ्री एक्स अप टू माइनस थ्री टू सॉरी जीरो टू थ्री तक जाएगा माइनस 18 कभी जीरो हो सकता है क्या एक्स क्यूब का रेंज कितना 0 टू 1 3x का रेंज 0 टू 3 तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ना अप टू 4 तक जाएगा इनफैक्ट इसमें क्या होगा 1 रखेंगे तो माइनस 3 माइनस 2 0 रखेंगे तो ठीक मतलब मैक्सिमम तो 4 तो होगा ऊपर से माइनस 18 हुआ है कभी 0 आ सकता है क्या नहीं आएगा तो इसका मिनिमम इसका जो रेंज होगा ना 0 से लेके 4 तक होगा इससे तो ज्यादा नहीं होगा तो डिनोमिनेटर क्लियरली नॉन जीरो न्यूमिनेटर जीरो आंसर क्या होगा ये जो फैक्टर है ना ऐसे ही दिया गया इसका कोई मतलब नहीं ये हमेशा जीरो होगा ओके हाँ सपोज कोई केस पर ये जीरो होने का चांस था तो आपको आप ले नहीं पाओगे मतलब जीरो बोल नहीं पाओगे व्हेन एक्स लाइज इन बिटवीन जीरो टू वन That time your x cube minus 3x minus 18 clearly non-zero and sine square x sorry sine greatest integer of x square into pi it is like sine n pi which is zero. तो ये वैल्यू जो होगा ना आपको जीरो दे देगा. In fact आपका f of x जो हुआ वो आपको यही मिला ए एक्स क्यूब प्लस बी व्हेन जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू वन एंड टू कॉस इनवर्स एक्स पाई एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स व्हेन वन लेस देन एक्स लेस देन टू इट इज गिवन डिफरेंसिबल डिफरेंसिबल दिया गया मतलब दिस वन आल्सो कंटिन्यूस कंटिन्यूस होगा तो डिफरेंसिबल होगा ना तो व्हेनेवर क्वेश्चन गिवन डिफरेंशियल इसका मतलब कंटिन्यूअस भी है ठीक है सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशियल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू एक्चुअली डिफरेंशियल जीरो टू टू ओपन रहेगा कंटिन्यूअस जीरो टू टू रहेगा ठीक है अब बताओ व्हाट इज योर एलएचएल एट एक्स इक्वल टू वन आप वन पर टेस्ट करोगे व्हाट इज योर एलएचएल ए प्लस बी आरएचएल टू कॉस इनवर्स एक्स की जगह वन डालेंगे कॉस इनवर्स पाई प्लस टेन इनवर्स वन कितना होता है कॉस इनवर्स पाई cos inverse pi तो cos inverse नहीं कैसे cos था अच्छा cos pi
प्लस पाई, प्लस पाई का वैल्यू कितना? माइनस वन टेन इनवर्स वन पाई बाई फोर, तो कितना होगा? पाई माइनस टू, करेक्ट ना? तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस टू। डिफरेंशिएट कर दो, एफ डैश एक्स क्या होगा? थ्री एक्स स्क्वायर, जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू वन, कॉस पाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस टू पाई साइन पाई एक्स, करेक्ट ना? प्लस टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, डू नो? वन अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है? जिसको पता नहीं फिर एफ डैश एक्स के मतलब एल एच डी आर एच डी निकाल के करना पड़ेगा। वन वन लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू टू एट एक्स इक्वल टू वन, व्हाट इज योर एल एच डी? आर एच डी वन डालेंगे तो साइन पाई, दिस बिकेम जीरो वन बाय टू, एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, तो ए इक्वल टू वन बाय सिक्स, ए की जगह वन बाय सिक्स डाल दो, बी कितना होगा? पाई माइनस टेन इनवर्स वन कितना? पाई बाई फोर, पाई बाई फोर। बी कितना होगा? पाई बाई फोर माइनस टू माइनस वन बाई सिक्स माइनस थर्टीन बाई सिक्स, समझा कैसे हुआ? हाँ सर, राइट डाउन राइट डाउन।
Then test the continuity and differentiability of the function f of x with the mod x minus mod of x minus 1 whole square. इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? तो कुछ नहीं दिया गया, मतलब आपको पूरे रियल नंबर में इसको टेस्ट करना पड़ेगा, ऑल रियल नंबर है। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है मॉड एक्स का? जीरो जीरो और इसका वन। तो देर आर टू प्लेसेस और टू पॉइंट्स और फंक्शन में भी डिसकंटिन्यूस और डिफरेंस नॉट डिफरेंशियल जो भी है, तो आपको जीरो एंड वन पर आपको ये करना पड़ेगा। तो टोटल फंक्शन को मैं ऐसे कर देता हूं, एक रख रहा हूं लेस देन जीरो, एक कर रहा हूं जीरो टू वन के अंदर, एक कर रहा हूं मोर देन वन, चलेगा? टोटल रियल नंबर आई डिवाइडेड टू थ्री पार्ट्स, क्योंकि दो जगह क्रिटिकल पॉइंट मिला जीरो एंड वन, तो मैंने थ्री पार्ट्स कर दिया, माइनस इन्फिनिट टू जीरो, देन जीरो टू वन, देन वन टू इन्फिनिट, करेक्ट? व्हेन एक्स लेस देन जीरो मॉड एक्स क्या होगा? माइनस एक्स और एक्स माइनस वन का मॉड क्या होगा? वन माइनस एक्स और माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वन इसका होल स्क्वायर, तो क्या मिला? वन। Am I correct? When x lies in between 0 to 1, when x lies in between 0 to 1, what is the mod x? X. Minus. X minus 1 का mod क्या होगा? 1 minus x. 1 minus x और minus of x minus 1, minus minus plus हो गया, plus x minus 1, that is 2x minus 1 का whole square. When it is more than 1, मोर देन वन होगा तो दोनों पॉजिटिव, तो फर्स्ट वन एक्स सेकेंड वन माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, तो एक्स एक्स गट कैंसिल्ड, इसका स्क्वायर ये भी वन आ गया, तो दिस इज योर एफ ऑफ एक्स नाउ, ठीक है? अब इसका बेस्ट मेथड इज द ग्राफ, ग्राफ ड्रॉ कर दो, यू गेट कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी सब कुछ आपको पता चल जाएगा। लेस देन जीरो, जीरो टू वन, मोर देन वन, लेस देन वन, सॉरी लेस देन जीरो के लिए आपको वन दे रहा है, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस इज द कर्व, लेस देन जीरो के लिए वाई इज इक्वल टू वन, ठीक है? एक्चुअली ओपन है, एक्स जब जीरो होगा ये भी वन आएगा, तो इक्वल जीरो के लिए भी वन, इक्वल वन के लिए क्या आ रहा है? वो भी वन दे रहा है, हमें करेक्ट? अच्छा, वाई इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये ग्राफ कैसे होता है? ये कौन सा ग्राफ देता है? पैराबोला। पैराबोला, ये पैराबोला जो होगा ओपन ऐसे होगा, हाँ, एक्स इज इक्वल टू हाफ के लिए ये जीरो होगा, तो आपका ऐसे ग्राफ मिलेगा, करेक्ट? फिर मोर देन वन के लिए क्या होगा? मोर देन वन के लिए वन दे रहा है, अगेन स्ट्रेट लाइन, और ये भी टच करेगा, इसको टच करेगा, क्योंकि x इक्वल टू वन डालेंगे, ये भी वन दे रहा है, ये भी वन दे रहा है, ठीक है? तो दिस इज द कर्व, इज इट कंटिन्यूअस? हाँ, तो कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, डिफरेंशियबल?
पॉइंटेड आ रहा है, जीरो और वन छोड़ के, जीरो वन पर वो पॉइंटेड हो रहा है, तो जीरो वन छोड़ के ये आ जाएगा आपका, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, बाकी सब हर जगह डिफरेंशियल होगा, ये दो जगह पॉइंटेड आ रहा है तो इट इज नॉट डिफरेंशियल, समझा? अच्छा सपोज ये लाइन आपका होता, ठीक है ना, ये लाइन होता, सपोज आपका कर्व ऐसे होता, ये मतलब हाफ पर क्या होगा, ये सपोज आपका कर्व ऐसे होता, ये तो फिर क्या होगा, जीरो पे नॉन डिफरेंशियल, हाफ पर क्या होगा, डिफरेंशियल होगा कि नहीं होगा, हाफ पर आपका ग्राफ चेंज हुआ, डिफरेंशियल होगा कि नहीं होगा, होगा डिफरेंशियल होगा, ये पॉइंटेड नहीं हो रहा है, ऑल्दो ये कर्व के साथ स्ट्रेट लाइन, कर्व के साथ देखो ये आपका कर्व है, ये कर्व को स्ट्रेट लाइन ऐसे कट करेगा तो आपका ये दो पॉइंट क्या होगा, पॉइंटेड होगा, बट ये कर्व को आप स्ट्रेट लाइन ऐसे कट कर रहे हैं तो क्या होगा, ये पॉइंटेड नहीं होगा, ये ऐसे ही हुआ था, दिस लाइन इटसेल्फ टेंजेंट टू द कर्व, तो ये डिफरेंशियल होगा, यहाँ पे पॉइंटेड नहीं होगा, वो स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि आपका कर्व कैसे होगा, देखो ये इसके साथ ये रखेंगे तो मेरा कर्व ऐसा आ रहा है, यहाँ से ये स्मूथली ऐसे बेंड हो जाता है, आप ये चेक करोगे इसका कर्व कैसे हुआ, आपका ये स्ट्रेट लाइन हुआ, यहाँ तक स्ट्रेट लाइन मिला, इसके बाद वो कर्व बन गया, ये स्मूथ हो गया कि नहीं हुआ ए प्लस पर, बट ये केस में ये चेक करो, आपका ये स्ट्रेट लाइन था, इसके बाद कर्व ऐसे हुआ, पॉइंटेड हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे पॉइंटेड होता है, यहाँ पे स्मूथ हो जाता है, तो यहाँ पे नॉट डिफरेंशियल, हियर डिफरेंशियल, ठीक है, आपका क्वेश्चन नहीं था, अगर फंक्शन इज द डिफरेंस नॉट सॉरी कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बट नॉट डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड वन, समझाइए, ये आपका एफ ऑफ एक्स दिया गया, एफ ऑफ एक्स इज़ द 3 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स लाइज इन बिटवीन माइनस 1 टू 2, एफ ऑफ एक्स चाहिए, क्या करेंगे, सर ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल करेंगे, थ्री माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, पैराबोला होगा ना, वाई इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस वाई, तो गेट पैराबोला फॉर माइनस वन टू टू के लिए, माइनस वन पर वो टू रहेगा जीरो पर,
3, 1 per 2, 2 per minus 1, correct ना? ऐसा आपको ग्राफ मिल रहा है. ये आपका 1, ये आपका 2. 2 पर माइनस 1 मिला. इसके बाद क्या मिला? 2 टू 4. व्हेन x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0. ये स्ट्रेट लाइन दे रहा है. व्हेन इट इज 4, 4 के लिए कितना आ रहा है? 4 आ रहा है. This is the curve. f of x निकालेंगे. f of x क्या होगा? three minus रिप्लेस x एज f of x था, 3 माइनस f of x का स्क्वायर व्हेन माइनस 1 लेस देन इक्वल टू f of x लेस देन 2, करेक्ट? माइनस 1 टू 2 के लिए ये भी है, ये भी है. माइनस 1 टू 0 रखना पड़ेगा, 0 टू 2 के लिए दो फंक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है? देन 2 एफ ऑफ एक्स माइनस 4 when 2 less than equal to f of x less than equal to 4. इतना फायदा नहीं होगा ग्राफिकली, ठीक है? तो इसको मैं दो पार्ट बना रहा हूं. ये आपका -1 टू 0 के लिए एक ही फंक्शन, बट मतलब f of x मतलब y का वैल्यू. when y का वैल्यू -1 टू 0 आपका फंक्शन आ रहा है 3 - x2. So that you have to use here. Then जब 0 to 2 के लिए, when 0 to 2, ये 0 to 2, 0 to 2 के लिए आपको दो पार्ट बन रहा है. ये 3 minus f of x, 3 minus x square एक हो रहा है, ये भी 2x minus 4 भी हो रहा है. Then 2 to 4 के लिए, एक 2 to 3 करेंगे, 3 to 4 करेंगे. तो एक करेंगे -1 टू 0 के लिए, -1 टू 0 के लिए f of x होता है 3 - x2. तो ये जो आंसर होगा 3 - 3 - x2 का होल स्क्वायर. Then 0 to 2 के लिए, 0 to 2 के लिए 3 - x2 रखेंगे, एक 2x - 4 भी रखेंगे. और एक रहेगा 3 - इतना फायदा नहीं दे रहा ये, एक मिनट.
इसके लिए थ्री माइनस एक, इसके लिए माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन टू, या फिर टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू फोर कॉमन लेना पड़ेगा। तो विच इज माइनस वन टू टू के लिए माइनस वन टू थ्री माइनस एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स को रखेंगे थ्री माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर व्हेन माइनस वन लेस देन इक्वल टू थ्री माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन टू एंड माइनस वन लेस देन इक्वल टू लेस देन टू, एम आई करेक्ट? यस, ये भी हटा दो। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टू एक्स माइनस फोर भी लिख सकते हैं, थ्री माइनस टू एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर। तो एफ ऑफ एक्स को मैंने क्या रखा, टू एक्स माइनस फोर लेस देन टू, इसको मैंने ब्रेक कर रहा हूं, ये एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने थ्री माइनस एक्स स्क्वायर डाल रहा हूं, 2x minus 4 भी डाल रहा हूं। ठीक है, when I choose f of x as 3 minus x square, वो टाइम पर क्या होगा, 3 minus x square minus 1 to 2 के अंदर रहेगा, एंड 3 minus x square के लिए x का वैल्यू minus 1 to 2 के अंदर होना चाहिए, तो ये दोनों कॉमन लेना पड़ेगा। जब मैंने f of x को माना है 2x minus 4, तो क्या होगा, f of x के जगह 2x minus 4 डालना पड़ेगा, तो minus 1 less than equal to 2x minus 4 less than 2 and 2x minus 4 के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 less than equal to x less than equal to 4, you got my point? Yes. Then 2 into f of x, f of x के जगह 3 minus x square रखेंगे, minus 4 2 into f of x minus 4, f of x इधर मैंने क्या रखा, here f of x lies in between 2 to 4, here I choose f of x as 3 minus x square, 2 to 4, but 3 minus x square के लिए आपका f of x, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, minus 1 less than equal to x less than 2, right, then 2 एफ ऑफ एक्स के जगह 2x माइनस 4 रखेंगे, माइनस 4, वो टाइम पर एफ ऑफ एक्स को मैंने 2x माइनस 4 रखा, लाइज इन बिटवीन 2 टू 4, एंड 2x माइनस 4 के लिए भी ये 2 टू 4, करेक्ट? यस। अब इसका कॉम्बिनेशन चेक कर लो, कॉमन इंटरवल क्या रहेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर क्या रहेगा, माइनस फोर टू माइनस वन, करेक्ट ना, माइनस थ्री कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर लाइज इन बिटवीन माइनस फोर टू माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर रहेगा वन टू फोर, एक्स स्क्वायर लाइज इन बिटवीन वन टू फोर, एक मिनट, वन में ओपन रहेगा, फोर पे क्लोज होगा, एंड एक्स, तो एक्स एक्स किसके अंदर रहेगा, माइनस टू टू माइनस वन यूनियन वन टू टू, करेक्ट, और इसके साथ माइनस वन टू टू कॉमन क्या होगा, कॉमन क्या होगा, वन टू टू ना, बट वन टू ओपन रहेगा,
तो ये दोनों का कॉमन रहा 1 to 2। तो ये आप चाहो तो स्प्लिट करोगे, नहीं तो ऐसे रहने दो, 3 माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। नहीं ब्रेक कर दो, माइनस एक्स रेस टू 4 प्लस 6x² माइनस 6, एम आई करेक्ट? When 1 less than equal, no, less than x, less than equal to 4. अब ये दोनों में कॉमन क्या है? प्लस 4 कर दो बोथ दी साइड्स, तो ये रहा 3, ये रहा 5, तो x lies in between 3/2 to 5/2 and 2 to 4, कितना होगा? 6 होगा, प्लस 4, 2 to, अच्छा 6 होगा, सॉरी 3 to 6, x क्या होगा? 3/2 to 3, और ये दिया गया 2 to 4, कितना होगा? 2 to 3, 3 पर ओपन, बट यहाँ पे 2 पर कैसे क्लोज आया? नहीं यहाँ पे ओपन था ना, इधर ओपन था, राइट? ये क्या मिलेगा? इसमें स्क्वायर नहीं है क्या? नहीं, अच्छा इसका, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा? माइनस 4x² प्लस 16x, बड़ा हो गया ना, 13 माइनस 13, am I correct? इसमें चेक करो, -1 to 1, माइनस एक्स स्क्वायर लाइज इन बिटवीन -1 to 1, एक्स स्क्वायर क्या होगा? -1 to +1, बट -1 नहीं होता है, ये 0 to 1 तक, एक्स स्क्वायर 0 to 1 एंड एक्स इक्वल टू -1 to 2, एक्स स्क्वायर 0 to 1 मतलब एक्स लाइज इन बिटवीन -1 to +1, -1 to +1, -1 to 2, कितना होगा? -1 to +1, इसके लिए रहा आपका 2 minus 2x², करेक्ट? अच्छा यहाँ पे रहा +6 to +8, मतलब 3 to 4, ये 2 to 4, तो 3 to 4, राइट? 3 टू 4 के लिए कितना रहा? 4x - 12, करेक्ट? क्या पूछा है? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, यस। कहाँ कहाँ पे टेस्ट करेंगे थोड़ा ऑर्डर में लिख लो, -1 to 1, इसको ऊपर ले लेता हूँ, देखो पूरा बराबर आया, कहीं पे डिसकंटिन्यूस नहीं हो रहा है ना, चेक करो पॉइंट के हिसाब से, मतलब -1 to 1 रहा, फिर 1 पे क्लोज था ओपन रहा, 2 पे ओपन था, 2 पे क्लोज आ गया, 3 ओपन, 3 पे क्लोज, बराबर, ठीक है? अब कहाँ कहाँ पे टेस्ट करेंगे? एट x इक्वल टू 1 पर टेस्ट करेंगे, 2 पर टेस्ट करेंगे, 3 पर टेस्ट करेंगे, कंटिन्यूटी है। x के जगह 1 डालेंगे तो कितना होगा? 0 0, इधर 1 डालो, -1 + 6 - 1, LHL is not equal to RHL, RHL,
तो हियर at x इक्वल टू नॉट डिफरेंसिबल नहीं सॉरी नॉट कंटिन्यूस नॉट कंटिन्यूस मतलब नॉट डिफरेंसिबल समझा। अब टू पर टेस्ट करो, टू पर टेस्ट करेंगे तो कितना होगा माइनस 16 माइनस 6 माइनस 22 प्लस 24 टू, टू प्लस के लिए क्या होगा 4 माइनस 16 माइनस 16 माइनस 13 माइनस 29 32 कितना 3 ना 8x इक्वल टू 2 व्हाट इज योर एलएचएल 16 24 2 आरएचएल माइनस 16 माइनस 13 माइनस 29 प्लस 32 3 ना तो एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल तो नॉट कंटिन्यूअस सो नॉट डिफरेंसिबल। टेस्ट भी करना नहीं पड़ेगा, 3 पर टेस्ट करो। एट एक्स इक्वल टू 3 व्हाट इज द एलएचएल लेफ्ट साइड 9 इंटू माइनस 4 माइनस 36 माइनस 49 आपका 3 48 तो माइनस 1 राइट ना। आरएचएल 3 पर 12 माइनस 12 0 अगेन नॉट कंटिन्यूअस सो नॉट डिफरेंशियल। So clearly at these three points they are not continuous and not differentiable. Samjha? Yes sir. Arre time ho gaya kya? Chalo fir to aap dekh lijiye baki aapka from module up kijiye ek concept bacha hai next time karenge. So module start karo. Haan module start karo continuity differentiability ha derivative matlab na ये नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे आप देख लीजिए नहीं होगा तो करेंगे। थैंक यू बाय।